हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दानिश सुराज पर। गाइस, आज हम लाए हैं 5 सोल साइंस के क्वेश्चंस, जो कि वीडियो अब पार्ट बाय पार्ट चलेगी। इस पहले पार्ट के बाद में 5-6 पार्ट और होंगे। गाइस, ये क्वेश्चंस इसलिए मैं लाया हूँ क्योंकि सोल साइंस के एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे जल्दी पहुंचे। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पर और वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दे, और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। थैंक्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैल किन्हें कहते हैं। सैल मतलब पत्थर किन्हें कहते हैं। तो सैल चट्टानों को कहते हैं। चट्टानें जो होती हैं पत्थर से बनी होती हैं, इसलिए सैल चट्टानों को कहते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने गोले दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन हमारा, अवसादी सैल किन्हें कहते हैं। तो अवसादी सैल किन्हें कहते हैं, इसका आंसर है जिन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं एवं जिनमें अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, वे अवसादी चट्टान या अवसादी सैल कहलाते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा, भ्रंशन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है चट्टाने अपनी कमज़ोर रेखाओं से टूटने से पूर्व एक सीमा तक पहुंचती हैं। यह कमज़ोर रेखाएं भ्रंशन कहलाती हैं। जो ये कमज़ोर रेखाएं होती हैं भ्रंशन कहलाती हैं। बलन और भ्रंशन दो धीमे विवर्तनिक सरकाव होते हैं। जो परतों में सरकाव होते हैं वो विवर्तनिक सरकाव होते हैं। भ्रंशन खिंचाव के कारण बनते हैं। जब परतों में खिंचाव होता है तो भ्रंशन उत्पन्न होते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आग्नेय सेल किन्हें कहते हैं। इसका आंसर है जो चट्टाने लावा से बनती हैं और जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं एवं ये चट्टाने सघन व कठोर यानी कि मजबूत होती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। गाइस, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में एक निकास या गोलाकार छिद्र होता है जिसमें से पृथ्वी के अंदर से पिघलता हुआ पदार्थ बाहर निकलता है। जब यह पदार्थ बाहर निकलकर निकास के चारों ओर एकत्रित हो जाता है तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। यह निकास पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक संकरी नली द्वारा जुड़ा रहता है। ज्वालामुखी की चोटी पर कीप की आकृति वाले खोखले गड्ढे को बिबर कहते हैं। तो गाइज, कैसे लगे टॉप 5 सोलर साइंस क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा जिससे इसके आगे के क्वेश्चन, तो जिसमें इसके आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसा ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में सेकेंड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।